मंच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष परम सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय महासचिव और हमारे प्रभारी कुमारी शैलजा जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत जी, हमारे सांसद और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रविन्द्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, कवासी लखमा जी, अनिला भेड़िया जी, मोहन मरकाम जी, अमरजीत भगत जी, जयसिंह अग्रवाल जी, श्री डेहरिया जी, उमेश पटेल जी और हमारे अध्यक्ष के साथ आए आदरणीय प्रणव झा जी, चंदन यादव जी, गुरदीप सप्पल जी, विजय जांगिड़ जी, धनेन्द्र साहू जी, सत्यनारायण शर्मा जी, अमितेश जी, महंत राम सुंदर दास जी, भाई विकास जी, मंचस्थ सभी हमारे विधायक साथीगण, निगम मंडल के अध्यक्षगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी साथीगण, हमारे जिला पंचायत के सभी अध्यक्षगण, जनपद अध्यक्षगण, नगर पालिका नगर पंचायत के और सरपंच, सभी हमारे साथीगण, उपस्थित सभी किसान भाइयों, मजदूर साथियों, युवा दोस्तों, माताओं बहनों, पत्रकार साथियों और हमारे सभी अधिकारीगण, सभी हितग्राही भाइयों और बहनों, जोरदार जयकारा से अपन बात की शुरुआत करना चाहतन। आप सब साथ दू तैयार हो? बोलो छत्तीसगढ़ माता री की, बोलो गुरु घासीदास बाबा की, शहीद वीर नारायण सिंह जी अमर रहे, माता कौशल्या की, सबरी माता की। आज हमर माई पहुना के द्वारा 24,52,000 किसान के खाता में 1,895 करोड़ रुपया बटन दबा के आपके खाता में डालेगे। अभी भी मौका है, जब मन ताली नहीं बजावा थे, हाँ सब जन बजाल डल ली, कतका जन के खाता में पैसा पहुंच गए। कतका जन के खाता में पैसा पहुंचे मोबाइल में जाकर सूचना आ गए। सब किसान के खाता में पैसा पहुंच गए, खूब बधाई खूब शुभकामना। आज ओकरे साथ साथ नारा नहीं जतका पर क्यों तत्कर लगाऊ नहीं यार, मैं मौका दू पूरा। गन्ना उत्पादक 33,642 किसान के खाता में 57,18,00,000 रुपया आज प्रोत्साहन राशि दिए गए, वो मतलब बहुत बहुत बधाई। और जतेक भी गोधन न्याय योजना से जुड़े हमार भाई बहनी मन है, जिन गोबर बेचते 2 रुपया किलो में, ओकरो खाता में आज 5,16,00,000 रुपया गए, वो सबो जन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। उसी प्रकार से श्रम कल्याण योजना अंतर्गत 1,30,000 हितग्राही मन के खाता में 55,16,00,000 रुपया का अंतरण किए गए, वो मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज बलौदा बाजार भाटापारा जिला में 266 करोड़ रुपया के
264 विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन किए गए जिला वाला मल्ला खूब बधाई और शुभकामना। ये जिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा है हमन 1 नवंबर के देवैया रहे, हर साल 1 नवंबर के देता, 21 मई, 20 अगस्त, 1 नवंबर और 31 मार्च के पहली 4 किस्त में। लेकिन आप सब जाना था अभी 8-10 दिन के भीतर में आचार संहिता लग जाई और ओकर बाद तीसरा किस्त देवर निर्वाचन आयोग से अनुमति ले लगतीस। अब निर्वाचन आयोग अनुमति कब देतीस, अब कब तुम्हार खाता में पैसा जातीस, वो बात ल ध्यान में रखते हुए कोनो किसान ल परेशानी मत होए, तेकर सेती आज 28 तारीख के 28 सितंबर के ही खड़गे साहब के हाथ से आपके खाता में पैसा डलवाए के काम हुए थे। ये जन सरकार है तेन किसान के, मजदूर के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, नौजवान के, महिला मन के ये सरकार, और वही पाए के हमर जन सरकार है। अभी तक के 73 लाख राशन कार्ड बनाए, पिछले 5 साल में 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बनाए नमन, और 73 लाख परिवार ल 35 किलो चावल, नमक ये सब ल फ्री में दे थन। चावल शक्कर है 17 रुपया किलो, और माटी तेल के बारे में हम नहीं की सकन भाई, वो भारत सरकार तय करते। ये 3 जिनिस ल हम दे थन 73 लाख परिवार ल। उही प्रकार से बिजली बिल हाफ योजना के लाभ 43 लाख परिवार उठा थे, और 4000 करोड़ से अधिक राशि सब्सिडी के रूप में, चावल में 14000 करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में। ओकरे साथ साथ लघु वनोपज संग्राहक है, तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाला है, ओकर मन के खाता में करीब 3500 करोड़ रुपया गए। अभी तक के जिन गोबर विक्रेता है, वर्मी कंपोस्ट बनैया है, ये मतलब 3 साल में लगभग 550 करोड़ रुपया के राशि वो मतलब मिल चुके। चाहे वो गोबर बेचे थे, तेंदुपत्ता संग्रहण करे, चाहे लघु वनोपज के संग्रहण करे, सबके समर्थन मूल्य घोषित करें और सब ला खरीदे की व्यवस्था करें। ओकरे साथ साथ बेरोजगारी भत्ता 1,29,000 हमारे नौजवान साथी 147 करोड़ रुपया अभी तक के 5 महीना में दे चुके हैं। आज हम फैसला करें कि हमारे जितना भी 60 साल से ऊपर जे मन पंजीयन कराए इसे मजदूर साथी है, वो मन 1,500 रुपया हम देवो, ये फैसला करें। गरीब से गरीब आदमी के ध्यान, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति के ध्यान, अभी राहुल गांधी जी आरिज हमारे नेता बिलासपुर में 7 लाख आवास के पहले के 25,000 रुपया सबके खाता में डाले काम करें। केंद्र सरकार ने चिट्ठी दें, ये प्रधानमंत्री आवास है तो हिस्सा दे दे, लेकिन वो नहीं दे थे, और वो मन से मैं घोषणा करें कि मंत्रिमंडल के साथी मन है, विधायक साथी मन है, केंद्र सरकार आवास के पैसा ला दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सरकार जिन खड़गे साहब के रहनुमाई में काम करा थे, सोनिया जी के आशीर्वाद से काम करा थे, राहुल जी के मार्गदर्शन में काम करा थे, वो सरकार सबो 7 लाख परिवार ला आवास के पैसा दे के काम करी, पहली किस्त पहुंच गए। खड़गे साहब लोकसभा राज्यसभा में ये लगातार मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना होना चाहिए, आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, 2011 के बाद से नहीं हुए,
2011 में जिन सर्वे सूची में नाम है तेन हितग्राही मतलब लाभ मिला थे, लेकिन जिन 2011 के बाद जिन सूची में शामिल हुए जिन पात्र व्यक्ति है उगर कोई सर्वे नहीं हुए वो मतलब कोई लाभ नहीं मिला थे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आ रहे हैं, भाटा पारा भी आ रहे हैं, सब पूरा प्रदेश भर हम घूमे, वो मन की समूल आवाज चाहिए। मैं पूछे 2011 के सूची में नाम है का, वो कहते नहीं है। वो कर बार फिर हम विधानसभा में पारित करें कि हमार सरकार है तेन आर्थिक सर्वेक्षण कराई और वो में हमन पाएं कि 47,000 ऐसे परिवार है जिन आवास ही नहीं, उहुल राहुल गांधी के हाथ से 25,000 की पहली किस्त अभी 3 दिन पहले दिवाएं। गरीब से गरीब व्यक्ति के ध्यान, किसान मन के ध्यान, 18,000 करोड़ से अधिक बिजली बिल जिन 3 हॉर्स पावर 5 हॉर्स पावर के मिलते ते में हमन छूट देन, कृषि के रकबा बढ़े, किसान के संख्या बढ़े, कृषि उत्पादन बढ़े और ओकर साथ साथ जब धान के उत्पादन 107 लाख मीट्रिक टन होए, ए साल जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में करे किसान मन केस 20 क्विंटल ए साल कर देते इसका, अब किसानी फसल बढ़िया होल धल ले 15 क्विंटल के बाद धान बांध जते, तो विधानसभा में हम घोषणा करें कि 20 क्विंटल खरीदबो। और परम दिन हमारे कैबिनेट हुई, इस कैबिनेट के सब साथी में पूरा कैबिनेट एक मत से प्रस्ताव करीस कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे के हिसाब से पैसा की व्यवस्था, बारदाना की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टिंग करे की व्यवस्था हम फैसला करें। 22,000 करोड़ पिछले साल धान खरीदे, ये साल ज्यादा जाए, वो सब के व्यवस्था कर दें। चुनाव आचार संहिता लगे रहे चाहे कुछ रहे, किसान के धान खरीदे जाए 20 क्विंटल, पेमेंट 3 दिन के भीतर में, बारदाना की व्यवस्था, तौलाई की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टिंग के व्यवस्था। एक फायदा का हो कि 600 नवा राइस मिल खुल गए, यदि एक राइस में 100 जन भी आदमी काम करा थे 60,000 आदमी रोजगार मिला था। तो ये प्रकार से उद्योग व्यापार ला भी बढ़ाए के काम हमार सरकार के द्वारा निरंतर किए जा थे। आप सब मुख्य अतिथि सुनना चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आपके सामने रखना जरूरी है। एक तरफ 42,000 पद के भर्ती, बेरोजगारी भत्ता 1,30,29,000 और उन्हें नवा नवा उद्योग व्यापार खोल के रोजगार दिलाए के कोशिश हमारे सरकार के द्वारा, और उन्हें हमारे जन संस्कृति है, परंपरा है, यूल बचाए के काम वो संवर्धित करे के काम, चाहे देवगुड़ी बनाए के हो, चाहे घोटुल बनाए के बात हो, रामवनम पर्यटन परिपथ बनाए के बात हो, चाहे मॉडल जैत खाम बनाए के बात हो, चाहे दामाखेड़ा में कबीर सरोवर बनाए के बात हो, ये सब काम लगातार हमारे सरकार के द्वारा। और ये सब योजना के माध्यम से परिवर्तन का इस आज किसान के जीवन में परिवर्तन आए, मजदूर के जीवन में परिवर्तन आए, महिला मन के आत्मविश्वास बढ़े, नौजवान मन के रोजगार के नया नया द्वार खुले हैं और करे साथ संस्कृति बढ़ावा। और ये सब काम के असर का है कि नक्सलवाद बहुत पीछे हट गए, आज छत्तीसगढ़ शांति के तरफ लौटा थे, बस्तर शांति की तरफ लौटा थे। मैं अवसर में अटके कहना चाहता हूं कि ये सरकार है तेन किसान के, मजदूर के, गरीब के, नौजवान के भरोसा कायम रखे, चाहे कोरोना काल भी हो, चाहे कोनो परिस्थिति हो। एक तरफ खड़गे साहब के रानुमाई में छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रहे थे, जिन आम जनता के हित में फैसला हो थे, दूसर तरफ केंद्र के सरकार जिनके किसान के आय दुगुना कर दू, ओत करीज नहीं है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमत बढ़ गए, केरोसिन की कीमत बढ़ गए, खादू की कीमत बढ़ गए, महंगाई के मार, बेरोजगारी के, ये ट्रेन भाटा पारा चलते कद ककन ट्रेन रद्द हो गए, आम जनता ला अब यात्रा महंगा दर पे करेल पड़ा थे, कोयला गाड़ी जरूर चला था लेकिन यात्री पर गाड़ी नहीं चला था।
वंदे भारत के हरे झंडा दिखा थे, लेकिन आजकल काली हमन पेपर में पढ़ते रहे हैं कि दो नंबर प्लेटफार्म में जिन गाड़ी आते करके अनाउंस करते, वो गाड़ी पटरी छोड़ के सही दो नंबर के प्लेटफार्म में चढ़ गई से। तो आज एक्सीडेंट बहुत होते, रख रखाव नहीं होते। छत्तीसगढ़ में पता नहीं कहा दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी लो केंद्र सरकार ला कि ट्रेन रोज ऐसे कोई समाचार पत्र नहीं है जब ट्रेन रद्द करके खबर नहीं आत हुई। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला बिहार, कोयला के लिए भी 4,000 करोड़ रुपया हमला आज तक के नहीं दे, सुप्रीम कोर्ट में केस लगाए, काली हियरिंग हुई 6 सप्ताह में वो जवाब दे के केंद्र सरकार ला। चावल के पैसा हम धान खरीदन चावल बेचे 6,000 करोड़ रुपया भी नहीं दे हमला। ऐसे जीएसटी पैसा सेंट्रल जेन टैक्स है तेकर पैसा, ये सब पैसा रोके के काम लगातार हो थे। एक तरफ हमारे सरकार कांग्रेस की सरकार खजाने का पैसा आम जनता का पैसा खाता में डाले काम करा थे, तो दूसर तरफ केंद्र की सरकार है अपन मित्र मन के खाता में पैसा डाले काम करते, तुम्हार से पैसा लेते बैंक में डालते और संगवारी मना पैसा निकाल के देश ले बाहर भाग जाते, पकड़े काम नहीं करे थे। आज अडानी ले सबसे ज्यादा फायदा दे के काम केंद्र सरकार करे थे, ओकर संपत्ति दुनिया की संपत्ति घटा थे, ओकर संपत्ति बढ़ा जात। जेन तुम्हार इंश्योरेंस के पैसा है ओला दे के काम, राहुल गांधी जी सवाल पूछते ओकर सदस्यता समाप्त कर देते। खड़गे साहब यदि आवाज वहां बुलंद करते तो माइक ला बंद कर दिए जाते। तो देश के पैसा अडानी देख काम करा थे और कांग्रेस के सरकार है आम जनता के खाता में पैसा डाले काम करा थे, ये दोनों में अंतर है तेला समझे लगी। हमारे सरकार हर 15 दिन में बटन दबाते गोबर विक्रेता खाता में पैसा जाते, हमार सरकार बटन दबाते बेरोजगार मन के खाता में पैसा डालते जाते, हमार सरकार 3 महीना में बटन दबाते किसान मन के पैसा में खाता में पैसा जाते, श्रमिक मन के खाता में पैसा जाते, बहनी मन के खाता में पैसा जाते। लगातार ये काम हमार सरकार करे है। अब तुम्हार से निवेदन है अभी यह 2 महीना के भीतर में एक बार बटन दबाना है, कते बटन दबाऊ आवाज नहीं आते, पाछू वाला मृदा कते बटन दबाऊ, हाथ उठाकर बताओ कते बटन दबाऊ, कते बटन दबाऊ वाला बताओ। काबर की ये सरकार तुम्हार सरकार है और ये सरकार बनाए पर परिवार की उन्नति पर छत्तीसगढ़ के विकास पर लगातार आप आगे आना है और एक बार आप सबके आशीर्वाद हमन आकांक्षी हैं। अभी 2 दिन के भीतर में 11,000 करोड़ के विकास कार्य के शिलान्यास लोकार्पण और भूमि पूजन करें, 3 महीना में 36,000 करोड़ के तो विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के भी निर्माण होते और 5 साल में 2.25 लाख करोड़ से अधिक की राशि तुम्हारे खाता में भेजे काम ये सरकार करे है। तो आप सबसे ही निवेदन करते हुए आने वाला समय मैं आप सबके आशीर्वाद और सहयोग की अपेक्षा के साथ अपन वाणी विराम देख पहली जोरदार नारा आप सब लगाना है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, दीपक बैज जिंदाबाद, खड़गे साहब।